जिला अस्पताल के महिला वार्ड से 15 दिन की नवजात बच्ची को एक नकाबपोश महिला ने दिन दहाड़े चोरी कर लिया। उक्त घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल का है, जहां थाना नागल क्षेत्र के लहसवा गांव की एक महिला ने देर रात एक बच्ची को जन्म दिया। दिन दहाड़े उक्त महिला के पास से एक नकाबपोश महिला ने उस नवजात बच्ची को चोरी कर लिया और फरार हो गई। बच्ची चोरी होने के बाद पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। और कोई उठा के ले गई, इस लड़के ने देखी बेचारा ने, ये बता रहा हमें तो जी मैंने ना दवाई खा रखी थी, मैं सो गई थी दवाई खाकर, ना मुझे पता नहीं चला। थाना जनकपुरी पुलिस व CMO ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। हालांकि अस्पताल से पहले भी कई बार बच्चे चोरी की घटनाएं हो चुकी है। इस मामले में अस्पताल की बड़ी लापरवाही भी उजागर होती नजर आ रही है। अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की भी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बच्चा चोरी होने की घटना से जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। जब इस बारे में अस्पताल की CMS अनीता चौधरी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पढ़ाई थी इसकी माँ का हाथ उसके ऊपर था, बच्ची के माँ पीछे को पड़ गई, अपने लड़की के दूध पान का बाथरूम में जाऊंगी, और ये लौंडा भी बैठा था, अभी इसका फोन आ गया, मैं पीछे को पड़ गई, नहीं खोलना ढका भी नहीं मुँह का, तो झटका लगा था बच्चा चोरी होगा, मैं भागी चली गई, कोई करा इस कमरे में देख लो, कोई करा इस कमरे में, मैं फिर सीधी अड्डे पर चली गई, मैं कहने लगा किधर को गई, अरे सूट वाली पेड़ से तोले वाली, मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। जी डॉक्टर बुतंदी पुलिस वाले थे, लड़ सी वीडियो ही बननी है जी, मैंने किसी को वार्ड में मरीज डिलीवरी के बाद लेटी हुई थी मुझे, अपने बच्चा जो उसके वो गई थी, बच्चे को लेके सो रही है, वो बच्चा उसकी गोद में था, बच्चे के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ है और वो लेटी हुई थी, और साथ में उसकी जिठानी भी बैठी हुई है, उसी वही पास में बैठी हुई थी, और वो ये कहती है कि मतलब एक बगल वाला मरीज का जो एक बच्चा था उसके साथ में, वो एकदम से उसको कहता है कि तुम्हारा बच्चा वो चोरी करके ले गया, वो ये कहता है कि जिठानी कह रही कि हरे रंग के कपड़े पहन के लेके गई है वो, जबकि मरीज कह रही मैं लेके बैठी थी, बच्चे का बच्चे के ऊपर हाथ भी रखा हुआ था। CCTV की फुटेज में कुछ आ नहीं रहा है, इसमें अभी देख रहे हैं हम लोग, कुछ अभी उस कमरे का असल में कुछ हमारे कैमरे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो गेट तो नहीं, दूसरे गेट से हम लोग अभी देख रहे हैं, एक गेट तो हमारा बंद था, उससे अभी कुछ ही दिन से खराब है, हमने इसको दिखाने के लिए भी कहा है, मैं अभी हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी है और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसके बारे में, हमने नहीं बात हम लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, यहाँ पर जी हाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हमारे पास गार्ड्स की बहुत ज्यादा कमी है, मैंने इसके बारे में बार बार अपने हाई ऑफिशियल्स को कहा है और DM साहब से मेरी बात हुई थी इसके लिए कि हमें चौकीदार वगैरह गार्ड्स चाहिए, यहाँ पर गार्ड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जितनी ज्यादा पेशेंट के अटेंडेंट बहुत ज्यादा आते हैं वो कहना नहीं मानते हैं, जिस वजह से हमें और सिक्योरिटी चाहिए थी, मैंने बार बार इसके बारे में कहा था। News को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।